हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मज़ेदार भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी और साथ में कॉम्बिनेशन में रखेंगे पूड़ी। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूड़ी का आटा गूंद लेंगे। इसके लिए हम लोग ले लेंगे 500 ग्राम आटा। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 1 चम्मच अजवाइन। इसको हम लोग अच्छे से मसल के इसके बाद इसको साफ करके इसमें आटे में डाल देंगे। इसके बाद लेंगे 1 चम्मच नमक और इसमें हम लोग ले लेंगे 2 चम्मच तेल। हम लोग पहले तेल और नमक और अजवाइन को आटे में मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग पानी ले लेते हैं। पानी से आटा गूंदेंगे पूरी का। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें आटे में, नहीं तो ज़्यादा डालने से गीला हो जाता है। ये देखिए आटा हम लोग गूंद लिए हैं। आटा को थोड़ा कड़ा ही गूंदना है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं करना है। ये देखिए इसके बाद इसको हम लोग ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग आलू को छील कर रख लिए हैं। इसमें डालेंगे हम लोग 3 टमाटर लेंगे, 2 प्याज, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। इसके बाद हम लोग आलू को बीच से बस 2 टुकड़ा में कट करके पानी में रखे हैं, नहीं तो आलू काला पड़ जाता है। इसके बाद प्याज को भी हम लोग बारीक कट कर लिए हैं, टमाटर को भी हम लोग कट कर लिए हैं और अदरक लहसुन का हम लोग कूच के रख लिए हैं। इसके बाद हम लोग कुकर में सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर गर्म करके इसमें डालेंगे तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता। इसको थोड़ा सा हम लोग फ्राई कर लेते हैं। इसको 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। इसको भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन जो हम लोग कूच के रख लिए थे। इसके बाद डाल दे रहे हैं इसमें टमाटर, टमाटर कट करके रख लिए थे जो वही टमाटर को ऐड कर देंगे इसमें। और इसमें डाल देंगे नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाता है। इसके बाद इसको ढक के हम लोग 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट ये हो गया। ये देखिए टमाटर भी गल गया है। इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें मसाले। इसमें सबसे पहले जाएगा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। ये सबको भी अब अच्छे से भूंजना है। 2 मिनट तक इसको भी ढक के हम लोग मसाला को भूंज लेते हैं। 2 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आलू। ये जो आलू का सब्ज़ी है, भंडारे वाली सब्ज़ी, ये झटपट बनती है। इसमें आपको आलू बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस फटाफट नॉर्मल आलू को कट कीजिए और इससे सब्ज़ी बन जाती है तुरंत। आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स करना है। 2 मिनट तक आलू को भी भूंजना है मसाले के साथ। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम लोग 2 गिलास पानी। पानी का क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। जितना आपको इसका करी चाहिए उस हिसाब से पानी का क्वांटिटी रखिएगा। और इसमें डाल दे रहे 1/2 चम्मच गरम मसाला। हम लोग कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें 4 सीटी आने तक पकाना है। 4 सीटी हो गया है, ये देखिए। इसके बाद गैस बंद कर देंगे। कुकर ठंडा होने के बाद ही खोले कुकर को। सब्ज़ी बन गया है। इसको हम लोग अब आलू को थोड़ा तोड़ देंगे एक कलछुल के सहारे। अच्छे से आलू को तोड़ना है। ये देखिए ऐसे आपको आलू को तोड़ के इसमें अब हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, बारीक कट करके रख लिए थे। इसके बाद इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। इसमें मसाला इसका ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो पूरी का आटा रखे थे ढक के, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आटा तैयार है। इसके बाद इसको मसल मसल के इसका हम लोग लोया बना लेंगे छोटा छोटा।
जितना पूरी बनता है उसे साफ छोटा उसी साइज़ के बनाएंगे। इसके बाद हम लोग पूरी बेल के रेडी कर लेते हैं। आटा का एक छोटा सा लोया लेंगे, इसके बाद उसमें थोड़ा सा हम लोग तेल लगा के पूरी को ऐसे चारों तरफ घुमाते घुमाते बेल लेंगे। पूरी का सेप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिएगा, जितना बड़ा आप लोग पूरी खाते हैं। ये देखिए एक पूरी बन गया है, ऐसे हम लोग और पूरी बना लेते हैं। ये हम लोग चार पूरी अभी बेल लिए हैं। इसके बाद हम लोग कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। कढ़ाई गरम हो गया, इसमें डाल देंगे तेल। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा हम लोग डाल देंगे इसमें पूरी। जब हम लोग पूरी बनाएंगे तो तेल को एकदम हाई पर गरम करेंगे, एकदम हाई होना चाहिए तेल का फ्लेम। एक पूरी हम लोग तल लिए हैं, ऐसे हम लोग सारी पूरी को तल लेंगे। हम लोग की पूरी बन के रेडी हो गई है। अभी हम लोग टोटल 5 पूरी तल लिए हैं। इसके बाद हम लोग सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। इसका ग्रेवी भी थिक हो गया है, ये देखिए। अब हम लोग एक बॉल में इसको निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। हम लोग का गर्मा गर्म भंडारे वाले आलू की सब्जी एंड पूरी बन के रेडी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।